इनिशियल पब्लिक ऑफ़र एंड फर्दर पब्लिक ऑफ़र ओके ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र एंड फर्दर पब्लिक ऑफ़र मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में तो यहाँ पे हम फटाफट से उसका डिस्टिंग्विश देख लेंगे और डिस्टिंग्विश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इम्पॉर्टेंट ओके और पूरे सिलेबस से अभी जो कुछ पार्ट कम किया गया है उसमें सिर्फ एक ही डिस्टिंग्विश कम किया है तो यहां पे सभी डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो लेट स्टार्ट सी इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर मैंने जैसे पहले भी कहा है मोस्टली पहला पॉइंट रहेगा मीनिंग के ऊपर ओके इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी क्या आईपीओ एंड फर्दर पब्लिक ऑफर एफ अभी जैसे नाम से ही पता चलता है इनिशियल इनिशियल यानी पहली बार कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर ओके जब कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में वो अपने अपना फंड है खुद का फ्रेंड से फैमिली मेम्बर से पैसा ले सकती है रेस कर सकती है पर आगे जाकर कंपनी को जब और एक्सपांशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक से पैसा रेस करना चाहती है यानी तो उसे क्या करना पड़ता है स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं आईपीओ। पी तो मीनिंग में देखो आईपीओ रिफर्स टू एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी यानी आईपीओ करने से पहले वो क्या रहती है लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज में नहीं रहती है तो वो क्या कौन सी कंपनी है अनलिस्टेड है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रही है और वो कैसी है अनलिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्ट हुई नहीं है एक बार आईपीओ हो जाता है फिर वो क्या हो जाती है लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में और उसके बाद आगे जाके कंपनी का और जब फंड की रेज हो फंड की ज़रूरत पड़ती है फंड और रेज करना चाहती है कंपनी तो क्या जब वो पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है अपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है तो उसे क्या बोलते हैं एफ पी ओ फर्दर पब्लिक ऑफर एफ पी ओ मींस एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी यहाँ पे कंपनी क्या है ऑलरेडी लिस्टेड है अभी टू द पब्लिक टू रेस सब्सिक्वेंट कैपिटल और कैपिटल अगर रेस करना चाहती है तो जब कंपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है पब्लिक को तो उसे क्या बोलते हैं एफ पी ओ यानि आई पी ओ ये सेकेंड पॉइंट देखो सेकेंड पॉइंट में दिया है ये टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी आई पी ओ इज इश्यूड बाय एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड एफ पी ओ इज इश्यूड बाई अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी ओके लिस्टेड का मतलब क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम रहता है स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है तो उसके ऊपर कंपनी लिस्ट हो जाती है तो फिर उसके शेयर्स वहाँ पर ट्रेड किए जा सकते हैं थर्ड पॉइंट वेन इशूड कब इशू किया जाता है तो आई पी ओ इज यूजली इश्यूड बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच वॉन्ट्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम वो कंपनी एग्जिस्ट है पर फर्स्ट टाइम पब्लिक से कैपिटल रेज कर रही है तब जो इश्यू करती है उसे क्या बोलते हैं आई पी ओ एंड एफ पी ओ एफ पी ओ इज वैन इश्यूड इट इज यूजअली इश्यूड बाई अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी वैन इट वॉन्ट्स टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक फर्दर कैपिटल और कैपिटल रेज करना है पब्लिक से फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ इशू ऑर्डर ऑफ इशू यानी पहले क्या रहता है आईपीओ रहता है या एफपीओ रहता है तो आईपीओ में क्या है आईपीओ पी एफपीओ प्रिस यानी आईपीओ पहले रहता है एफपीओ से आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक एंड एफपीओ क्या है एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ पी एफ बाद में रहता है फर्स्ट टाइम जब पब्लिक को ऑफर किया जाता है तो उसे आई बोलते हैं और बाद में उसके बाद वापस कभी कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया तो उसे क्या बोलेंगे एफ नाम में ही है फर्दर एफ इज द सेकेंड और सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक तो फर्स्ट टाइम सेल कौन सा है आई और सेकेंड टाइम एफ यानी ऑर्डर क्या है आई पहले एफ बाद में आईपीओ प्रिस एफ पी ओ नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फाइव लिस्टिंग आईपीओ में क्या दिया है कंपनी हैजू गेट इट से फर्स्ट टाइम ऊपर हमने देखा वही है बिफोर इशूइंग आईपीओ आईपीओ इश्यू करने से पहले कंपनी को खुद को क्या करना पड़ता है लिस्ट करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करना पड़ता है क्योंकि उससे पहले वो कंपनी लिस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में और एफ पी ओ क्या है कंपनी मेकिंग एन एफ पी ओ इज लिस्टेड कंपनी क्योंकि वो ऑलरेडी लिस्टेड है नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर सिक्स रिस्क अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये रिस्क टू इन्वेस्टर यानी कौन सी ऑफर पब्लिक के लिए ज्यादा रिस्की रहती है तो आईपीओ ये क्या है फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो पब्लिक क्या प्रिडिक्ट कर सकती है कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं तो वो कैसे है रिस्की है

अभी नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट डिस्टिंग्विश देखेंगे और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल